everyone, this is class 10th maths chapter 3 pair of linear equations in two variables. अपने previous video में हमने ये देखा कि graphical method of a pair of linear equations और वो कैसे होते हैं, या तो वो cross lines means intersecting lines भी हो सकती हैं, पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं या ओवरलैपिंग लाइंस भी हो सकती हैं. तो इन्हीं कंडीशंस को अब हम कुछ और डिटेल में देखेंगे कि ऐसा कौन सा ग्राफिकल मेथड है जिनसे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में पता कर सकते हैं. सो वैसे हमें पता है कि जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनका जो जनरल फॉर्म है वो हमारे पास क्या है, उनका जनरल फॉर्म a1x b1x plus c1 is equal to 0, a2x b2y plus c2 is equal to 0, ये उनका जनरल फॉर्म है दो इक्वेशंस का, जहाँ पे कि हमें ये सब भी पता है कि a1, a2, b1, b2, c1, c2 जो हैं वो रियल नंबर्स हो सकते हैं. रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल नंबर्स इंक्लूड होते हैं ये हमें पता है, और a एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. और अगर इसे कंडीशन के फॉर्म में लिखें तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो ये तो हमने अब तक सीख लिया है. अब हम ऐसा एक मेथड देखेंगे जिसमें इस जनरल फॉर्म के दो इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स हैं दोनों ही इक्वेशंस में, इनको से सॉल्व करके या इन्हें देखकर हम ये बता पाएं कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इन दोनों लाइंस का वो कैसे बनेगा. स्ट्रेट लाइन तो डेफिनेटली बनेगा क्योंकि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं. स्ट्रेट लाइंस भी कैसी होंगी, वो दोनों स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या पैरेलल होंगी या फिर ओवरलैपिंग होंगी, और इनको हमने क्या क्या नेम दिए हैं, इनके कितने सॉल्यूशंस होंगे. तो इनके जो रेशोज हैं या कॉफिशेंट हैं एक्स के और वाई के जो कॉफिशेंट्स हैं उनको हम सॉल्व करके कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंडर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. अब कैसे कर सकते हैं, पहले तो हम रेशोज का कंपेयर कर रहे हैं. सपोज इफ a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 है इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ध्यान रखना है फर्स्ट कंडीशन में नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो वहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी. इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कि दोनों लाइंस कुछ इस तरीके से होंगी, और इस सिचुएशन में हमें पता है कोई भी एक पॉइंट पे हमारा जो ग्राफ है या दोनों लाइन से किसी भी एक पॉइंट पे क्रॉस करती हैं. तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन क्या होगा, तो वो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा. वन सॉल्यूशन मीन्स हम उसे बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन. तो इंटरसेक्टिंग ग्राफ हमारा ऐसा दिखेगा तो हमने उसे कह दिया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. और सॉल्यूशन जब हम एल्जेब्रिकली उन्हें फाइंड करते हैं तो हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, एक मिलेंगे, दो मिलेंगे या बहुत ज़्यादा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो ये हम एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन करके बता सकते हैं इन कंडीशन के अंडर. और जब ऐसा है तो हमने कह दिया इस सॉल्यूशन है या नहीं, इसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेशल वर्ड है कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मीन्स दो लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, राइट. अब ये तो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी. अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. जब तीनों ही हमारे जो कॉफिशेंट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं तो इस सिचुएशन में कोइंसिडेंट लाइंस होती है. कोइंसिडेंट लाइंस को अगर हम बोलें तो ओवरलैप बोल सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है. ओवरलैपिंग लाइंस कुछ इस तरह की एरोज हम इनके बोथ द साइड बना देते हैं, तो लाइंस से ये एक के ऊपर एक कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. यहाँ भी एरो बना देते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये लाइंस एक के ऊपर एक होंगी जब सारे ही हमारे कॉफिशेंट्स इक्वल होंगे. तो जब ओवरलैप होंगी तो कोई कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रही है तो सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस. और हमने कहा है
कि अगर सॉल्यूशन है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन तो है, अब वो अलग बात है कि इनफाइनाइटली मतलब बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल सॉल्यूशंस हैं, तो सॉल्यूशन तो है इसलिए कंसिस्टेंट हो गया ये भी। अब लास्ट जो हमारी कंडीशन हो जाती है वो है ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू। तो जब ऐसा है, पहले दोनों वाले तो इक्वल हैं बट थर्ड वाला नॉट इक्वल्स है, तो इस सिचुएशन में पैरेलल लाइंस होती हैं। जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, पैरेलल लाइंस, ये हमारा ग्राफ बन गया। और जब पैरेलल हैं वो कभी भी आपस में नहीं मिलेंगे, तो सॉल्यूशंस नो सॉल्यूशन हो गए। और जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो इनकंसिस्टेंट वर्ड हम उसके लिए यूज़ करेंगे। तो इन सिचुएशंस, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि कंसिस्टेंट होगा हमारा सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट होगा। और ग्राफ अगर बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, क्रॉस लाइन दिखेगा, ओवरलैप दिखेगा एंड पैरेलल दिखेगा। जब कभी भी हम कुछ ऐसी कोई हमें टेबल लर्न करनी है होती है, तो एक बहुत कॉमन सा शॉर्ट फॉर्मूला है उसे लर्न करने का, कि आपको सिर्फ जिस अकॉर्डिंग हमने फीड किया है, जो हमारी नंबरिंग है, जैसे नंबर वन पे ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू है, तो पहले वाले दोनों कॉफिशियंट्स में नॉट इक्वल टू है, ये ध्यान रखना है। और इस नॉट इक्वल टू में हमारी क्रॉस लाइंस हैं, जब तीनों बराबर हैं तो हमारी ओवरलैपिंग है, जब पहले वाले दो इक्वल्स हैं थर्ड बार में नॉट इक्वल्स टू है, तो पैरेलल लाइन से कुछ ऐसे अपने माइंड में फीड करना है कि ये टेबल हमें एज इट इज याद रहे। After this, directly we are starting our exercise 3.2. In previous video, we have completed exercise 3.1. Now, 3.2 question 1. Form the pair of linear equations in the problems. Find their solutions graphically. यहाँ हमें लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें इनकी इक्वेशन को फॉर्म करना है और साथ साथ में इसे हमें ग्राफिकली भी हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर। सो फर्स्ट हमने पार्ट लिया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्लास 10 के कुछ स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है, उनमें से जो नंबर ऑफ गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज से, तो फिर और जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं वो 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट लिया है और 4 गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो हमें इस सिचुएशन के लिए इक्वेशन बनाना है और उसे ग्राफ पर भी प्लॉट करना है। सो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल्स टू वाई। जब भी ऐसा दो चीज़ों के लिए एक्स और वाई हम लेते हैं, तो हम इनको थोड़ा सा डिस्टेंस पे प्लेस कर देते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़। अब जो कंडीशन, गर्ल्स के लिए हमने एक्स लिया है और बॉयज़ के लिए हमने वाई लिया है। अब हमें कहा है 10 स्टूडेंट्स हैं, तो पहली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई दोनों मिलके हमारे कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं। और नेक्स्ट सिचुएशन हमें बोला है जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा हैं गर्ल्स। तो इक्वेशन को अगर हमें बैलेंस करना है तो गर्ल्स को हम ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल्स टू साइन लगाएंगे और y में हम प्लस 4 कर देंगे ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। इसे इक्वेशन को हम ऐसे ही रहने देंगे और अब इसकी हेल्प से हम अपना टेबल बनाएंगे, x और y के लिए हम सॉल्व करेंगे। अब वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो थोड़ी सी हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम अगर थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, y प्लस 4, ये जो x की वैल्यू है इस वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन, इसे नेम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इसे हम इक्वेशन 1 में प्लेस कर सकते हैं। कैसे प्लेस कर सकते हैं, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लेते हैं। y प्लस 4 हम यहाँ लिख देते हैं इक्वल्स टू, यहाँ क्या हो गया हमारे पास में, y प्लस 4 प्लस y एंड इक्वल्स टू 10। अब जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 2y इक्वल्स टू 6, तो फिर y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 3, और y इक्वल्स टू 3 आया तो फिर x की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे और x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा।
फर्स्ट इक्वेशन में हम रखते हैं। अब इन एक्स और वाई की हेल्प से हम फटाफट से अपनी टेबल बना लेते हैं और टेबल हमारी दोनों ही इक्वेशन से बनेगी और वो बन रही है एक्स वाई ज़ीरो एंड माइनस फोर। फर्स्ट वाली इक्वेशन से हमारी ये टेबल बन रही है टू एंड माइनस टू एंड सेकेंड वाली इक्वेशन से हमारा बन रहा है टू एंड एट एंड फोर एंड सिक्स। टू एंड एट एंड फोर एंड सिक्स ये आपको आता है इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ टेबल में वैल्यू प्लेस कर दी हैं और अब हम इसको इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ये हमारा ग्राफ है, जल्दी से हम अपनी दोनों लाइंस प्लॉट कर लेते हैं, ज़ीरो एंड माइनस फोर। तो ज़ीरो तो यहाँ हो गया एंड माइनस फोर यहाँ पे आएगा नीचे, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया ज़ीरो एंड माइनस फोर। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा टू एंड माइनस टू, तो टू एंड माइनस टू हमारा कहाँ पर होगा, टू हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए और माइनस टू यहाँ चाहिए, तो दूसरा पॉइंट हमारा ये आ गया टू एंड माइनस टू। नेक्स्ट हमें लेना है टू एंड एट, तो टू एंड एट दोनों प्लस हैं तो ये हमने ले लिया, टू एंड एट हमारा हो गया। फिर आ गया हमारा फोर एंड सिक्स, तो फोर एंड सिक्स आ रहा है हमारा यहाँ पे, ये हो गया फोर एंड सिक्स। तो दो पॉइंट्स तो हमारे यहाँ हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं किसी अलग कलर से, ये हो गया हमारा, इनको हमको दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और आगे तक ले जाना है, और ये वाली लाइन हो गई हमारी ये वाली, ये पॉइंट्स को बिल्कुल एग्जैक्टली टच होना चाहिए और दोनों तरफ हम एरो बना सकते हैं। देखिए इंटरसेक्टिंग हो रही हैं ये दोनों ही लाइंस, किसी एक पॉइंट पे ज्वाइन कर रही हैं ये, तो ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हो गया। और वो जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट वो क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, थ्री एंड सेवन, क्योंकि सॉरी सेवन एंड थ्री होना चाहिए, एक्स की वैल्यू सेवन है और वाई की वैल्यू थ्री है, तो ये पॉइंट होगा हमारा सेवन एंड थ्री, राइट। तो ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इन क्वेश्चन टू ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर दे रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट हमने वर्ड यूज़ किया था और उसके लिए हमने एक ईजी वर्ड बताया था आपको कि ओवरलैप, लेकिन उसका एग्जैक्ट जो मैथमेटिकल वर्ड है वो कोइंसिडेंट है, तो आपको ये ध्यान रखना है। कुछ पार्ट हमने यहाँ चूज़ किए हैं, तो हमने चूज़ किया है क्वेश्चन टू का थर्ड पार्ट और यहाँ पे हम इनके रेशियोज़ को कंपेयर करेंगे, 6x 3y, तो फटाफट से 6/2 इज इक्वल टू माइनस साइन भी अगर है तो माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10/9। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं, 2 1s जो कट जाते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें लिखना है 2 3s 6, माइनस माइनस कट गया तो ये हो रहा है a1/a2 और b1/b2 हो रहा है, बट c1/c2 नॉट इक्वल्स टू हो रहा है। और ये वाली हमारी टेबल के अकॉर्डिंग कौन सी सिचुएशन होती है, ये होती है लास्ट वाली सिचुएशन जहाँ पे कि पैरेलल लाइंस होते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पैरेलल लाइंस और यही हमारा आंसर है। पैरेलल लाइंस स्पेलिंग को आप देख सकते हैं, जल्दबाजी में हमसे कुछ गड़बड़ हो सकता है, बट आपको अच्छे से चेक करना है, क्वेश्चन में से उन्हें नोट डाउन करना है। अब हम आ जाते हैं अपने आफ्टर क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्री सेकेंड पार्ट, यहाँ भी हमें वही चेक करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को और बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसका सॉल्यूशन भी हमारा कुछ ऐसे ही हो जाएगा, 2/4 हमने करा, 2/4 इज इक्वल टू -3/-6 इज इक्वल टू -8/-9, माइनस माइनस तो कट जाएगा, 1 2 1 2, बट पहले दोनों तो इक्वल हैं बट थर्ड वाला नॉट इक्वल है c1 c2, और ये अभी अभी हमने देखा है कि ये वाला हमारा कैसा होता है, पैरेलल लाइंस होता है। तो पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन होती है, मैंने शॉर्ट में यहाँ लिख देती हूँ पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस जो होता है वो हमारा इनकंसिस्टेंट होता है, तो मेन वर्ड हमें ये यूज़ करना है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इनकंसिस्टेंट, राइट। आफ्टर दिस वन मोर पार्ट ऑफ दिस थर्ड पार्ट 3/2/9
हमने पार्ट नोट डाउन कर लिया है। अब डायरेक्टली हम इनके कॉफिशियंट्स या रेशोज को नोट करते हैं। 3/2/9 यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, इसलिए हमने ये पार्ट चूज किया है ताकि आप घबराएं ना कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर देखते से कि अब हमें सॉल्व कैसे करना है। -7/-14 और इक्वेशन में अगर हमारे इज इक्वल टू के बाद 7 लिखा है तो हम उसे लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और साइन चेंज कर देंगे एंड इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे। ये काम हम पहले ही क्वेश्चन नोट करते समय ही हम कर लेते हैं। अब हम इन्हें और एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं और वो सॉल्व हो जाएगा हमारे पास में 3। ये न्यूमरेटर है 3 और ये डिनोमिनेटर है और ये भी डिनोमिनेटर है, तो दोनों डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऐसे, इस तरह से 5/3 × -10। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गए और कैंसिल भी हो जाएंगे, कट भी जाएंगे 7 1s और 2s और यहाँ भी कटिंग कर देंगे 1 and 3 5 and 10 ये हो गया। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास बचा है 1/3 = -1/2 और = 1/2। तो यहाँ मुझे कुछ भी इक्वल नज़र नहीं आ रहा है, तो स्टार्टिंग में ही मैं बोल दूंगी कि ये ही मेरा नॉट इक्वल्स टू a1/a2 b1/b2 और ये तो मेरी जो है फर्स्ट कंडीशन थी अपने टेबल में, और वो फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी। तो मैं आंसर एक लाइन में लिख सकती हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो हमारा जो है सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है डेफिनेटली। तो आप लिख देंगे यहाँ पे कंसिस्टेंट, राइट। आफ्टर दिस वन मोर पार्ट आई हैव टेकन, दैट इज 5th पार्ट। अगेन द सेम मेथड वी हैव टू फॉलो, 4/3/2 = -8/-12। पहले ही हम इक्वेशन को सारे जो हैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं और राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। कटिंग जो होगा वो हम कटिंग करते जाएंगे और फाइनली इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 4/3 × 2 = 2/3 = कट जाएगा, या 4 2s 8, 4 3s 12, तो 2/3 आ गया यहाँ पे, और ये भी कट जाएगा 2 2s, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ गया 2/3 = 2/3 = 2/3। और ये तो तीनों ही इक्वल हो रहे हैं, तीनों इक्वल होते हैं तो हमारा लास्ट वाली कंडीशन होती है। लास्ट वाली कंडीशन में पैरेलल लाइंस होती हैं और पैरेलल लाइंस तो ऑलवेज क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो हम वही नोट कर लेंगे, कुछ हमने कुछ गड़बड़ किया है। ये जो हमारी कंडीशन है, देखिए जल्दबाजी में हमसे मिस्टेक हो सकती है, ये वाली जो कंडीशन है वो हमारी टेबल के अकॉर्डिंग सेकेंड वाली कंडीशन है, जहाँ पे कि हमारी ओवरलैपिंग लाइंस होती है जबकि तीनों इक्वल होते हैं। तो जब तीनों इक्वल्स होते हैं तो पैरेलल लाइंस नहीं होती है, मैं डायरेक्टली इसे ही कट कर रही हूँ, और यहाँ पे हमारे पास में होती हैं ओवरलैपिंग लाइन, जिसे हम क्या बोलते हैं ओवरलैपिंग लाइंस को, कोइंसिडेंट लाइंस। और जब ऐसा होता है तो ये वाले हमारे होते हैं कंसिस्टेंट। दोनों ही वर्ड सिमिलर हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है और ध्यान रखना है। पहले वाला कोइंसिडेंट का मतलब होता है ओवरलैप, और दूसरे वाले कंसिस्टेंट का मीनिंग होता है सॉल्यूशन है, राइट। आफ्टर दिस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 4। अगेन हमें यहाँ बताना है कि हमारा जो सॉल्यूशन है लीनियर इक्वेशंस का वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें वो सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है, मतलब ग्राफ पर भी बताना है। हमने यहाँ पे 4th का 2nd पार्ट चूज़ किया है, वही सेम मेथड हम फटाफट से फॉलो करेंगे। 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ -1/-3 और = 8/16 जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे, माइनस माइनस गया,
फोर टू ज़ा एट और फोर एट वन ज़ा और एट टू ज़ा 16 हो जाएगा ये, तो लास्ट वाला इक्वल नहीं है। यहाँ पे इजिकल टू विथ हैरो 1/3 इजिकल टू 1/3 इजिकल टू 1/2, तो फर्स्ट टू तो इक्वल हैं बट थर्ड वाला नॉट इक्वल्स टू है। और ये वाली जो सिचुएशन होती है वो कब होती है आपको अच्छे से पता है, पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे हमारे पास में वो पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं या इनकंसिस्टेंट? डेफिनेटली इनकंसिस्टेंट होती हैं, इनकंसिस्टेंट, एंड दिस इज द आंसर, राइट। आफ्टर दिस थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वी हैव टेकन, सो हियर इन दिस क्वेश्चन थर्ड पार्ट वही मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, 2/4 equals to 1/-2 equals to -6/-4 minus minus cancel out 1, 2 solve करके और लिख देते हैं 1/2 is equal to -1/2 is equal to यहाँ पे 3 और 2, तो ये तो 3/2 आ रहा है, तो फर्स्ट ही सिचुएशन में वो नॉट इक्वल्स टू आ गया। फर्स्ट सिचुएशन में नॉट इक्वल्स टू आना मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होता है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का मैं थोड़ा सा ग्राफ बना देती हूँ, कुछ इस तरीके की इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं ऐसी, ये वाली लाइंस आ जाएंगी और इस वाली सिचुएशन में हमारे पास में सॉल्यूशन होता है, तो कंसिस्टेंट वर्ड हम यूज़ करेंगे एंड दिस इज़ द आंसर, राइट। अब तक आपको टेबल के अकॉर्डिंग हमें कैसे सॉल्यूशंस फाइंड करना है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें डायरेक्ट रेशियोज़ को कंपेयर करना है टेबल में से, हमारी 1, 2, 3 सिचुएशंस में से कौन सी सिचुएशन फॉलो होती है वो लेना है और डिसाइड करना है कि उसमें क्या कैसा सॉल्यूशन मिलेगा हमें, और ग्राफ पर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। After this question 5, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 centimeter, find the dimensions of the garden। इसके लिए हमको ये समझना है कि जो हमारा एक गार्डन है रेक्टेंगुलर गार्डन वो कुछ इस तरह का होता है और इसमें जो हमारे पास पेरीमीटर होता है वो यहाँ से ये चारों जो लेंथ है और ये विड्थ है, तो इन चारों को अगर हम प्लस करते हैं साइड्स को तो हमारे पास में पेरीमीटर आ जाता है गार्डन का। तो हमने लिखा है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 2 × L + B और लेंथ हमें दे रखी है 4 मीटर, तो हमने विड्थ मान ली है बी, डब्ल्यू की जगह हम बी यूज़ करेंगे क्योंकि एल और बी से हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर हैं, और हमें दिया है कि जो लेंथ है ना वो विड्थ का प्लस 4 है, विड्थ से उसकी हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, और प्रैक्टिकली भी हमें पता है कि लेंथ जो है वो विड्थ से ज़्यादा होती है और यहाँ इस सिचुएशन में 4 ज़्यादा है। तो अब हम अपनी कंडीशन बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे कि कैसा हो जाएगा, जो जो हमें बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 36 इज इक्वल टू 1/2, हाफ द पेरीमीटर कहा है तो हमने ये कर दिया और बी प्लस 4 एंड प्लस बी हमने कर दिया, वैल्यूज़ हमने प्लेस कर दी हैं, 2 से 2 जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दिया है, तो अब बचा हमारे पास में 36 इज इक्वल टू 2b + 4 बचा, और यहाँ से हम अपनी b की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 2b को यहीं रहने देंगे वो वहाँ भेजेंगे, 36 में से 4 माइनस हुआ तो बचा हमारे पास में 32 इज इक्वल टू 2b, तो फिर b जो 2 जो है वो 32 के नीचे चला जाएगा, 32/2 और ये हो गया 16, तो b हमारे पास में आ गया 16। अब जब b 16 आ गया तो l भी हमें चाहिए और l इससे 4 ज़्यादा है, तो 16+4 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में 20, यूनिट जो है वो भी हमें लगाना है, मीटर दे रखा है तो ये मैंने मीटर लिख दिया, तो l हमारे पास में हो गया इतना और ये यहाँ पे भी यूनिट लग जाएगा b, एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। इसको आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकती हो जब आपके पास वैल्यूज़ हैं तब। आफ्टर दिस वन लास्ट क्वेश्चन 7, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, ट्राइंगल फॉर्म्ड दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस जो दी हुई हैं वो लिख ली हैं और इनसे रिलेटेड हमने एक एक टेबल भी बना ली है और एक्स और वाई को सॉल्व करके हम ये टेबल को फुलफिल कर देते हैं। फर्स्ट वाले इक्वेशन का हो जाएगा 0 एंड 1 एंड 1 एंड
2, और सेकेंड वाले इक्वेशन से हमारे पास में x एंड y की वैल्यूज आ गई 0 एंड 6 एंड 2 एंड 3। अब इन सिचुएशंस को, इन कोऑर्डिनेट्स को हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम फटाफट से, वो तो हमें आता है आसानी से, ये हमने ग्राफ पे हम प्लॉट भी कर देते हैं। पहले वाली लाइन बना रहे हैं हम 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 तो हमारा पॉइंट आ गया ये 0 एंड 1, हम छोटा छोटा लिख भी लेते हैं। और फिर हमारे पास 1 एंड 2 है, तो 1 एंड 2, अब थोड़ा सा काफ़ी पास आ गया ये 1 एंड 2, ये हो गया मेरा एक लाइन का। इसका मैं थोड़ा सा लाइन को ज्वाइन भी कर देती हूँ ताकि ये लाइन ज्वाइन कर दी। अब आ गया नेक्स्ट वाला 0 एंड 6, 0 एंड 6, तो पहला पॉइंट हमारे पास में ये आया। देन 2 एंड 3, 2 एंड 3, अब ये पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है 2 एंड 3, और यहाँ पे है 0 एंड 6, थोड़ा हॉचपॉच हुआ है। मैं दूसरी लाइन कुछ अलग कलर से बना देती हूँ, क्योंकि वो दूसरी लाइन को मुझे ऐसे ज्वाइन करना है दोनों पॉइंट्स को। ये ज्वाइन हो गया, और ये यहाँ पे नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल को कोई नाम भी मैं दे सकती हूँ, ए बी एंड सी, और इसे हमें शेड करने के लिए कहा है, तो ये हमने अपने ट्राइंगल को शेड भी कर दिया। एंड दिस इज़ द, और हमें कुछ फाइंड नहीं करना है यहाँ पे, दिस इज़ द फाइनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन 7 इक्वेशंस, राइट। एंड हियर दिस एक्सरसाइज इज एंड्स नाउ, एंड एज अ होमवर्क स्टूडेंट्स you have to complete this exercise 3.2 in your maths notebook with graphs also, right?